बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक नई लेक्चर के साथ आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। आज के इस लेक्चर में हम कुछ नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंड आपको एमएस वर्ल्ड का सारा बेसिक समझाएंगे एंड दिखाएंगे एंड प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें हम करेंगे। किस तरह हम न्यू पेज को ओपन करते हैं, एमएस वर्ल्ड का एक नया फाइल किस तरह ओपन करते हैं डिफरेंस मेथड के थ्रू, एंड हम उसको एमएस वर्ल्ड का जो फाइल होता है, डॉक्यूमेंट होता है, उसको डिफरेंट तरीक़ों से हम किस तरह क्लोज करते हैं, सेव करते हैं, किस तरह करते हैं, डिलीट किस तरह करते हैं, ये सारी चीज़ें हम अभी जो है ना इस लेक्चर में और भी डिटेल के साथ ज़रा वो डिस्कस करेंगे। तो और सारा जो एम एस वर्ल्ड का जो हमारा पास ये कोर्स है, इनमें जितने टॉपिक है ये सारी चीज़ें ज़रा डिटेल के साथ मैं आपको समझाऊंगी। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं एम एस वर्ल्ड क्या होता है। एम एस वर्ल्ड हमारे पास एम एस ऑफिस का एक कंपोनेंट है, सही है? यहाँ तक तो आपको क्लियर है ना? तो एम एस ऑफिस असल में हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, थोड़ी सी रिव्यू इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, ताकि आगे आपको इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के बेसिकली टू टाइप्स है। एक हमारे पास है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी जो हम इस एमएस ऑफिस की बात करें, ये हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक टाइप्स है। इसी के हमारे पास और बहुत सारे कंपोनेंट्स है, जिसमें हमारे पास एमएस वर्ड होता है, एमएस एक्सेस, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। अभी आपको मैं दिखाऊंगी भी एंड कराऊंगी भी हमें प्रैक्टिकली। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें खुद बहुत क्लियर हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो इससे पहले कि मतलब मैं प्रैक्टिकल पर जाऊँ, आपको एक एक चीज़ कराऊँ, तो ये बाकी चीज़ें जो है ना आपको सारी क्लियर हो चुकी होंगी। तो अभी मैं ओपन करती हूँ, ये आप देख रही, मेरे पास स्टार्ट बटन है, तो ये विंडो है जिसको हम कहते हैं। अच्छा, मैं एक वर्ड फाइल ओपन करती हूँ, तो मैं जाऊँगी प्रोग्राम में, सही? और प्रोग्राम में हमारे पास सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं एम एस ऑफिस के है वो सारे, इसमें मैंने ओपन कर लिया क्या एम एस वर्ल्ड। तो आप देखें ये मेरे पास फर्स्ट ब्लैंक पेज है एम एस वर्ल्ड का। आप सर इस पेज को देख ले तो आपको कुछ चेंज सा नज़र आएगा, समझ आ रही है? तो अभी मैं इसको भी टिक करूँगी। तो चलो वो क्या करेंगे, अभी ओपन करूँगी हम किस तरह एक एम एस ऑफिस वर्ल्ड फाइल को किस तरह ओपन करते। तो एक तरीका तो ये है कि हम इस तरह स्टार्ट बटन पर जाएंगे, ये आपको नज़र आ रहा है विंडो, सही है? यहाँ पर मैं टाइप करूँगी वर्ल्ड विन जो है एम एस वर्ल्ड या विन वर्ल्ड, आप जिस मैं इसको मतलब इंस्टॉल किया होता है। तो आप देखें मेरे पास ये ओपन हो गया। आज ये पेज ज़रा साइट पर है, सही है? तो आप इसको सेंटर में एंड स्मॉल एंड मैक्सिमम ये सारे आप कुछ कर सकते हैं, समझ आ रही है बात की? ओके, तो देख ले ये हमारे पास पर्स पेज है। अब इसको हम किस तरह ओपन करेंगे, ये तरीका तो समझ आ गए ना? हम यहाँ पर टाइप करेंगे एंड क्लोज किस तरह करेंगे, ये सिंपल ये तरीके तो आप लोगों को ऑलरेडी हो भी चुकी है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है ना ये मैं ओपन एंड क्लोज किस तरह मैं एक फाइल को ओपन करूँगी, किस तरह क्लोज करूँगी, तो हमारे पास एक तरीका ये होगा। अब दूसरा तर जो हमारे पास मेथड है क्लोज करने का, तो मैं इस स्टार्ट बटन पर क्लिक करूँगी, इस ऑफिस बटन पर, यहाँ पर जो है मेरे पास है एग्जिट, सही है? तो मैं उस पर क्लिक करूँगी तो मेरे पास ये फाइल जो है ना क्लोज हो जाएगा। तो ये स्टार्ट इसलिए मैं कर रही हूँ कि ताकि आपको ओपन डिफरेंट तरीक़ों से आ जाए, आपको क्लोज करना डिफरेंट तरीक़ों से आ जाए। तो ये भी जो है ना मैं आपको जो कर रही, ये हम किस तरह ओपन करेंगे एंड किस तरह क्लोज करेंगे, सही है? तो देखिए मेरे पास फर्स्ट पेज आ गया। अच्छा, आप स्क्रीन पेज को मैं ज़रा दरमियान में ले आऊँगी, तो आप देख लें इसी से देख लेना, इस प्लस से हम बड़ा एंड छोटा स्मॉल से इस माइनस से कर सकते हैं। तो आप भी इस अपने पेज को बड़ा मीन जूम एंड जूम इन एंड जूम आउट इनके थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी इसके बाद मैं थोड़ी सी ज़रा आपको इस
वर्ल्ड फाइल के डिफरेंस जो मेन्यूज है, डिफरेंस पार्ट्स है, ये समझूंगी। आप देख लीजिए मेरे पास क्या क्विक एक्सेस है, इसके थ्रू में क्या सेव का बटन है, यहाँ पे मैं अपने फाइल को सेव करूँगी। समझ आ रही, देख लें आप, देख लें हमारे पास डिफरेंट मैटर है सेव के। अब देखिए मैंने ये कंट्रोल ऐसे भी कर सकते हैं, और यहाँ ऊपर जो सेव है इसे, तो अब मैंने नाम भी दे दिए आपको, देख लें टाइटल में हमारे पास ये नाम है, जो भी हम नाम देंगे वो टाइटल में आएंगे। तो अभी मैं सारे ये पार्ट्स इस वर्ल्ड फाइल के दिखाऊंगी, हमारे पास अलग अलग क्या क्या पार्ट्स हैं। तो आप देख लें ये सारे हमारे पास जो हैं, मैं जो क्लिक कर रही हूँ ना, ये होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस, ये सारे मेरे पास मेन्यू से क्लियर हैं। अच्छा ये जो है ना मेरे पास टाइटल है, ये देख लें होम पर मैंने क्लिक कर, तो मेरे पास एक रिबन ओपन हो गया। तो इस सारे एरिया को ये मैं, आप देख रहे हैं ना, मैं जिसको वो कर्सर जो है ना जिस पर पिला रही, ये मेरे पास रिबन है। तो ये तो क्लियर है ना, ये देख ले क्लेबर है, फॉन्ट साइज हम यहाँ करेंगे, पैराग्राफ स्टाइल, तो इन सारों में हम अपने मुख्तलिफ डिफरेंस काम करेंगे एंड स्टेप बाई स्टेप इस काम करेंगे। अच्छा अब इसको मिनिमाइज किस तरह करेंगे देख ले, समझ आ रहे हैं। ऊपर टाइटल में मैं क्लिक करूँगी, अब इसको मैं मिनिमाइज करूँगी, तो इससे हम हाइड एंड अनहाइड यहाँ पर कर सकते हैं इस रिबन को। इसके अलावा हमारे पास और भी मेथड है कि हम इसको किस तरह जो है ना हाइड करेंगे एंड शो करेंगे। अच्छा अब देख लें, तो ये हमारे पास जो मैं ये कर्सर ला रही हूँ, मेरे पास क्या है, डॉक्यूमेंट एरिया है, जहाँ पर मैं डिफरेंस डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंटेशन करती हूँ। सही है, इसको आप लोग डॉक्यूमेंटेशन भी कहते हैं एमएस वर्ड को ज़्यादातर, क्योंकि इसको हम ज़्यादातर डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास जो है ना स्केलर है, देख ले मैं इसके अपने पेज के मार्जिन लाइन एंड ये सारी चीज़ें कम एंड ज़्यादा कर सकती हूँ। ओके ये मेरे पास स्केलर हैं हो गए। अच्छा इसके अलावा हमारे पास ये जो है ना मेरे पास टाइटल बार हो गया, ये मेरे पास मेन्यू है, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट बॉडी है, ये मेरे पास टास्क बार है, और ये मेरे पास स्केलर हैं, ये नीचे मेरे पास जो है ना स्क्रॉल बार है, इसको मैं आगे ऊपर नीचे करूँगी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई। ये मेरे पास क्विक एक्सेस है, अनडू रीडू, सही है। अच्छा यहाँ पर ये सेव का बटन है, यहाँ पर मैं और भी वो ऐड कर सकती हूँ, देख लें मैं इस एक्सेस बार को ऊपर नीचे करूंगी, तो देख ले शो एक्सेस क्विक एक्सेस टूल बार बिलो द रिबन, तो इस रिबन के नीचे मैं इसको करूंगी, देख लें समझ आ रही है। अब मैं दोबारा ज़रा इसको ऊपर करूंगी, तो आप यहाँ से ऊपर नीचे अपने इस क्विक एक्सेस टूल बार को कर सकते हैं। तो मेरे पास तो ये ऊपर चला गया, अब यहाँ पर मैं इसको और चीज़ें भी ऐड कर सकती हूँ, देख लें मेरे पास अभी जो है ना सेव, अनडू एंड रीडू जस्ट हैं। इसके अलावा मेरे पास ये न्यू, ओपन, ड्रा टेबल, ये सारे मैं वहाँ पर करूँगी, देख लें। जैसा हमें अब क्विक प्रिंट को करूँगी, तो यहाँ पर मैं क्विक प्रिंट करूँगी, प्रीव्यू को करूँगी, समझ आ रहे हैं। अच्छा यहाँ से देख लें और भी मैं कुछ कर सकती हूँ, अब मैं उस पर दोबारा क्लिक करूँगी प्रीव्यू पर, तो मेरे पास ये गायब हो जाएगा, समझ आ रहे हैं। दोबारा मैं इस पर क्लिक करूँगी, तो मेरे पास ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा, मीन ख़त्म हो जाएगा। अगेन अच्छा रिमूव करेंगे इसे, तो ये तो आपको समझ आ गई होगी। अच्छा इसके अलावा हमारे पास जो है कि ये तो समझ आ गए ना कि टाइटल बार, मेन्यू एंड रिबन, स्टेटस बार, ये सारी चीज़ें, तो आई होप आपको समझ आ गए। अभी ज़रा देख ले हमारे पास स्टार्ट बटन है, सही है। तो स्टार्ट बटन में आप देख ले, मैं अगर इस पेज को के कलर को चेंज करना था, तो आप यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं, देख लें। अब इस कलर को देखना ब्लैक हो गया। अब मैं अगेन अपने इस वर्ल्ड का जो बाई डिफॉल्ट होता है वो तो ब्लू होता है, लेकिन इसमें आप जो है ना चेंजेस कर सकते हैं डिफरेंस। और तो अब देखिए मैं दूसरा कलर चेंज करती हूँ, ये मेरे पास कलर चेंज हो गया। आप ये अपनी मर्ज़ी से जो भी कलर आपको पसंद हो आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सेव करूँगी, सही, ओके। अब जरा देख लें मेरे फाइल एप्लीकेशन के नाम से सेव किया था, मैं इसको दोबारा ओपन करूँगी, सही। प्रॉपर्टीज़ में मैं जाऊंगी कि मेरे पास इसका वर्ल्ड में हमारे पास इसका जो फॉर्मेट होता है वो डॉट टेक्स होता है, डॉट डॉक्स होता है, क्लियर है। तो आप अगर आपको वह पता नहीं, तो आप यहाँ पर भी प्रॉपर्टी में जाके इसकी प्रॉपर्टी मालूम कर सकते हैं। ओके okay.
तो आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर है। चलो एक फाइल ओपन करते हैं, अभी कुछ काम करेंगे। अच्छा तो एक टेबल क्रिएट करूँगी देख लें, और विद पासवर्ड मैं इसको प्रोटेक्ट करूँगी, आप देख रहे हैं सही है। अच्छा एक पासवर्ड के थ्रू करेंगे तो हम इसको सेव करेंगे, जब सेव तो आप ऑलरेडी ऐसा सिंपल कर सकते हैं, लेकिन एक पासवर्ड के थ्रू हम करेंगे तो लोकेशन सेलेक्ट करेंगे एंड डॉक्यूमेंट तो ऑलरेडी हमारे पास ये हैं सही है। जब आप इसको पासवर्ड के थ्रू करेंगे तो फिर आप लोगों ने सेव पर नहीं क्लिक करना, जबकि टूल पर क्लिक करना है एंड टूल में आप लोगों ने जनरल ऑप्शन क्लिक करना है एंड यहाँ पर आप लोगों ने पासवर्ड देना होगा, समझ आ रहे हैं। अच्छा मैंने यहाँ पासवर्ड दे दिया सही है। अच्छा मैं ओके पर क्लिक करूँगी। अच्छा अगेन 1 2 3 4 अगेन ओके पर क्लिक करें, फिर अगेन 1 2 3 4 ओके पर क्लिक करें, तो चार बार हमने पासवर्ड देने हैं एंड देन सेव पर क्लिक करना है। तो आप देख लें मेरे पास फाइल सेव हो गया, मैं बंद कर दिया मैंने। अब मेरे पास ये दो फाइल है, एक मैंने विद पासवर्ड एंड दूसरा हमारे पास ऐसा सिंपल है। तो आप देख लें मैंने इसको क्लिक कर दिया, मेरे पास ओपन होगा। अब मैं इस पासवर्ड वाले को ओपन करूँगी तो आपसे ये पासवर्ड मांगेंगे, दो बार आपसे पासवर्ड मांगेंगे। मैं वहाँ पर 1 2 3 4 अगेन 1 2 3 4 क्लिक ओके क्लिक करूँगी तो ओपन हो जाएगा। अगर आपसे ये पासवर्ड भूल जाए तो फिर आपका ये डॉक्यूमेंट जो है ना नहीं ओपन होगा, समझ आ रहे हैं। फिर आप लोगों ने इसको डिलीट करना होगा। तो अब तो समझ आ गए, थोड़ी सी रिव्यू करेंगे। ये हमारे पास टाइटल बार है, ये मेन्यूस है एंड ये हमारे पास रिबन में डिफरेंस कंपोनेंट्स है, ये हमारे पास क्विक एक्सेस है सही है। अच्छा ये नीचे हमारे पास टास्क बार है एंड ये हमारे पास है स्केलर एंड स्क्रोल बार, समझ आए। स्केलर शो एंड तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो थैंक यू सो मच मैं एंड गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।